देखिए कल जो सीएस की रिपोर्ट उन्होंने दी है, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि सीएस श्री सीताराम कुंटे को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो सीधे राह चलने वाले व्यक्ति है, और वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं तो ऐसा मानता हूँ कि रिपोर्ट उन्होंने तैयारी नहीं की। ये रिपोर्ट शायद, मैं ऐसा मानता हूँ कि जितेंद्र आव्हाड़ या नवाब मलिक, इन्होंने शायद तैयार करके उनको दिया और उन्होंने सिग्नेचर किए। इसका कारण यह है कि इस रिपोर्ट में इतनी फैलसीज है। सबसे पहली फैलसी क्या है, तो वो ये है कि ये रिपोर्ट ऐसे कहती है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, पब्लिक ऑर्डर का मुद्दा ये उपस्थित होता है तभी इस प्रकार से टैपिंग किया जा सकता है और हमको गलत बताकर हमारे से परमिशन ली। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप जो टेलीग्राफ एक्ट है इसमें टैपिंग के बारे में जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इंसाइटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब कोई भी गुनाह अगर होने वाला है ऐसी जानकारी होगी तो टैपिंग किया जा सकता है। लेकिन उतनी लाइन इस रिपोर्ट में काट दी गई, मतलब ये रिपोर्ट ही फैब्रिकेट हो रहा है, उतनी लाइन ही काट दी गई है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि एसीबी जिस समय टेलीफोन टैपिंग करती है उस समय कौन से कानून के तहत करती है? इसी के तहत करती है, इंसाइटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस, और इसलिए वहाँ नेशनल सिक्योरिटी नहीं होती, भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है।